हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। यूथ कंपटीशन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है इस टाइम, एंड ये फर्स्ट चैप्टर है शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं खेलों के विभिन्न संस्थाएँ देश विदेशों में और परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और जो भी इसमें गलतियाँ होंगी उसको सुधार करके मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। आप डेली बेसिस से मेरे सामने प्रैक्टिस कीजिए। यदि फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, या पी टेट हो, या पी सुपर टेट वर्क 2-3 हो, बिहार या स्टेट हो, बीपीएससी हो, केवीएस एनबीएस हो, अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, तो सभी के लिए मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कराया गया है। एमसीक्यू प्रैक्टिस चैप्टर वाइज, एंड दोस्तों 100 से ज़्यादा वीडियोज बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराया गया है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चन, सभी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए, सभी चीज़ें इत्मीनान से पढ़िए। और दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, परीक्षाएँ जब भी होंगी आपका उसमें स्थान होना चाहिए, तभी हो सकता है जब आप डेली बेसिस पे डेडिकेशन पूर्वक प्रिपरेशन करते रहेंगे। सभी काम को तवज्जो देते हुए इसको भी सबसे ज़्यादा तवज्जो दीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? तो जानते हैं शारीरिक शिक्षा और शिक्षा दोनों का साझा लक्ष्य है मानसिक विकास। जैसे कि दोस्तों, शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य मानसिक एवं संवेगात्मक विकास है। शारीरिक शिक्षा तो शरीर शारीरिक रूप से स्वास्थ्य को भी देखता है, फिटनेस को भी देखता है, सामाजिक विकास भी देखता है। मानसिक यानी शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास, जिसे मानसिक लक्ष्य भी आता है, जबकि शिक्षा का लक्ष्य होता है ज़्यादातर केवल मानसिक विकास करना। इसलिए शारीरिक शिक्षा और शिक्षा दोनों का साझा लक्ष्य क्या है? मानसिक विकास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है कि लोगों का गलत धारणा है शारीरिक शिक्षा को मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं कि व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, बस सोचते हैं खाली व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। लोगों की ये गलत धारणा है। जैसे कि शारीरिक शिक्षा के संबंध में सामान्य भ्रम है जो केवल मांसपेशियों के उपयोग से उनमें शक्ति लाता है। शारीरिक शिक्षा केवल गतिविधियाँ ही नहीं बल्कि व्यवहार का एक रूप है जो मनुष्य की न केवल मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों तथा संवेगों इमोशंस को दिशा मिलती है, बल्कि ईमानदारी, बहादुरी, भाईचारा, नेतृत्व जैसी भावनाएं भी उभरती हैं। अर्थात व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है शारीरिक शिक्षा, जबकि लोगों के मन में बैठा है कि व्यायाम करना ही शारीरिक शिक्षा है, जबकि ऐसा नहीं है। एंड नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है स्वास्थ्य शिक्षा से किसे है? शारीरिक शिक्षा का संबंध किसे है? स्वास्थ्य शिक्षा से। जैसे कि शारीरिक शिक्षा का संबंध स्वास्थ्य शिक्षा से है, जो एक भाववाचक शब्द है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आम शिक्षा की तरह स्वास्थ्य शिक्षा भी लोगों को ज्ञान, भावनाओं और व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि शारीरिक जो हमारा शरीर का स्वास्थ्य है क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, आप ज़्यादा देर तक काम कर पाएंगे, ऊर्जावान रहेंगे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। जैसे कि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो स्वास्थ्य जो है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक तौर पर भला होने या ऐसा महसूस करने की अवस्था है। स्वास्थ्य जिंदगी की वह गुणवत्ता है जो व्यक्ति को जिंदगी का लुप्त लेने और बेहतरीन काम करने के योग्य बनाती है, अर्थात यह गुणात्मक जीवन बिताने में सहायक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ? तो दोस्तों, भारत में शारीरिक शिक्षा का अच्छे तरीके से विकास अंग्रेजों के
राज्य के समय हुआ। कब हुआ? अंग्रेजों के राज्य के समय हुआ। जैसा कि दोस्तों भारत में सारे शिक्षा का अस्तित्व जो है वो प्रागैतिहासिक काल से है, परंतु इसका विस्तृत रूप सिंधु घाटी सभ्यता से दिखाई देता है एंड उसका सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास अंग्रेजों के समय हुआ। अंग्रेजी काल आधुनिक सारे शिक्षा का स्वर्णिम काल माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई? तो दोस्तों यह पटियाला में 1953 में आरंभ हुई। ये राजकुमारी जो है भारत सरकार ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, क्या थी वो? प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी हमारे देश की राजकुमारी अमृत कौर के सुझाव पर खेलों के विकास के लिए एक योजना राजकुमारी अमृत कौर स्कीम को 1953 में आरंभ किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे? तो दोस्तों प्राचीन ग्रीस में जो पूर्व एथेंस काल में जो तीर कमान सिखाते थे शिक्षक, उसको क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसको कहा जाता था टोक्सोटोज। क्या बोला जाता था? टोक्सोटोज। एंड तीरंदाजी सिखाने वाले शिक्षक को टोक्सोटोज बोला जाता था। तो एंड गेंद का प्रयोग करके यानी बॉल का प्रयोग करने वाले शिक्षक को स्फेरिस्टिस बोला जाता था। एंड शारीरिक शिक्षक जो होता था उसको पेड्रो ड्राइव बोला जाता था। एंड धनुर्विद्या सिखाने वाले को टोक्सोटाज बोला जाता था। एंड एथेंस काल की नियमित सभा जो होती थी उसे एकलेशिया बोला जाता था। एंड जेवलिन यानी कि भाला का प्रयोग करने वाले अध्यापक को एकोनाटिस्टिस बोला जाता था। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुई थी? राष्ट्रीय अनुशासन योजना यानी कि नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की आरंभ कब हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था 1954 में जनरल जे के भोसले के द्वारा शुरू की गई, जो उस समय केंद्र में पुनर्वास मंत्री थे। एनडीएस यानी नेशनल डिसिप्लिन स्कीम का निदेशालय 1960 में अलवर में खोला गया था। प्रशिक्षित अध्यापकों की बढ़ती मांग के अनुसार 1963 में मध्य प्रदेश के बरवाहा में भी निदेशालय खोला गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ग्रीस यानी यूनान में सारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था अच्छा योद्धा तैयार करना। एंड अच्छा योद्धा तैयार करना, जैसे कि यूनान खेलों का स्वर्ण युग कहलाता था। ये लोग खेल प्रिय तथा दूसरे देशों से युद्ध करते थे, जिसके लिए उन्हें तंदुरुस्ती की जरूरत थी। यूनान में खेल एवं सारी शिक्षा अपने उच्चतम स्तर पर था। एंड नेक्स्ट है कि खेल की यह परिभाषा किसने दी है कि खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है? वाओ, बहुत अच्छा परिभाषा है। खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, इस बात को कहे हैं स्टर्न ने। किसने कहा है? स्टर्न ने। एंड यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दिया गया है दोस्तों, जैसे कि रोज का कहना है, रोज ने परिभाषा दी है कि खेल एक प्रसन्नतादायक स्वप्रेरक क्रियाशील गतिविधि है, जिसमें व्यक्ति विशेष को अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। एंड यहीं पे मैकडूगल का कहना है कि प्राणियों के संरक्षण वृद्धि एवं विकास के लिए खेल कूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड लेजारस का कहना है कि खेल अपने आप में स्वतंत्र गतिविधि है जो निरुद्देश्य आनंददायी तथा दिल बहलाऊ होती है। याद रखिएगा, निरुद्देश्य आनंददायी दिल बहलाऊ। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, खेल को माना जाता है, तो अभी जस्ट में यहाँ पे पता चला खेल को उद्देश्य रहित क्रिया निरुद्देश्य माना जाता है। खेल को निरुद्देश्य उद्देश्य रहित माना जाता है। प्रकृति में
खेल सार्वभौम है, यानी सभी जगह पाया जाता है, सभी बालक खेलते हैं। उनका खेलना जाति, नस्ल, रंग, रूप, राष्ट्रीयता आदि से परे है। यह रचनात्मक, आत्मप्रेरित, आनंददायक, जन्मजात, स्वतंत्र, स्फूर्तिदायक अनिरुद्देश्य होती है। इतना याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रकार का खेल मकाम और आनंद नहीं है? तो दोस्तों, फुर्ती से चलना काम और आनंद है, स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना भी है, लंबी ड्राइविंग करना भी है, बट धूप सेकना जो है, धूप सेकना आपका कोई खेल या कार्य नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन से रिलेटेड है। अभिकथन ए है कि शारीरिक शिक्षा व्यवसाय ऐसे अध्यापक चाहता है जो उत्साही और सांस्कृतिक दृष्टि से परिपूर्ण हो, अपने छात्रों की मदद करने के लिए अपने विषय और कौशल में पूरा अधिकार हो। ये बात तो सही है, ऐसा होना चाहिए एक शारीरिक शिक्षक में, ठीक है, ऐसा होना चाहिए एक शारीरिक शिक्षक में। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कारण यानी तर्क आर है कि अध्यापक व्यवसाय बहुत से पारिश्रमिक देता है, अच्छा वित्तीय स्थायित्व और सेवानिवृत्ति पर अच्छा पैकेज देता है। ये आपका गलत है, जबकि कथन ए आपका राइट है, बट तर्क आर यहाँ पे गलत दिख रहा है कि यहाँ पे आसन नंबर सी करेक्ट होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बौद्धिक केंद्र कौन से थे? तो दोस्तों, यहाँ पे अकादमी, लिएसिनम, क्रिया सार्जेस, ये सब के सब जो हैं बौद्धिक केंद्र हैं। जैसे कि दोस्तों, जिम्नेजियम ग्रीस का यानी यूनान का शारीरिक, सामाजिक एवं बौद्धिक केंद्र बन गया था। प्लेटो, अरस्तु जैसे महान व्यक्ति जिम्नेजियम को लिपेसिनम और कियो सर्जिस जैसे अकादमियों को उत्कृष्ट बौद्धिक केंद्र के लिए उत्तरदायी तो थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का इतिहास प्रभावित हुआ किसके द्वारा? दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का इतिहास प्रभावित करता है रूढ़िवादिता को? नहीं, रूढ़िवादिता तो मानता ही नहीं है। सारी शक्तियों को कमज़ोर करना तो ये सारी शक्तियों को कमज़ोर नहीं करता है और बढ़ाता है, तो उपरोक्त सभी तो यहाँ होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, मानसिक शक्तियों के विकास, सारी शिक्षा से मानसिक शक्तियों का विकास होता है, शारीरिक शक्तियों का विकास होता है, फिटनेस का विकास होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलाना है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको हो जाएगा सिंधु सभ्यता काल, सिंधु घाटी काल जो है उस समय वहाँ पे नृत्य ज़्यादा प्रचलित था, नृत्य ज़्यादा प्रचलित था, तो ए का टू हो जाएगा, ठीक है। ए का टू कहाँ दिख रहा है? सी में। एंड वैदिक काल जो है, वैदिक काल में सूर्य नमस्कार और योग की उत्पत्ति हुआ था, याद रखिएगा, और मुस्लिम काल में योग पर प्रतिबंध लगा गया था। वैदिक काल में सूर्य नमस्कार डेली एक्टिविटी में शामिल था। एंड प्रारंभिक हिंदू काल में आपका हो जाएगा नाट्य और उत्सव। उत्तरकालीन हिंदू काल में आपका हो जाएगा धनुर्विद्या। क्या? धनुर्विद्या। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। एंड दोस्तों, यहाँ पे कुछ अभिकथन दिए हुए हैं, इसको पढ़ करके आगे वाले क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है और आप सभी बोरिंग हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीड़ा से कई कार्य होते हैं, क्रीड़ा यानी खेल से कई कार्य होते हैं, जैसे कौशलों का पूर्वाभ्यास, बात राइट है, स्वास्थ्यवर्धक कार्य ये भी राइट है, चिंता को कम करना ये भी राइट है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों, एक क्रीड़ा से कई कार्य हो सकते हैं जिनमें हम अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, इससे हमें अपनी कौशलों के पूर्वाभ्यास का अवसर मिलता है, यह स्वास्थ्यवर्धक कार्य है और इससे हमें अपनी चिंताओं को कम करने की सहायता मिलती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस गद्यांश के अनुसार
अभ्यास और स्पोर्ट्स में मुख्य भेद है। तो गद्यांश तो हमने पढ़ा नहीं है, बट ये खेल के ही बारे में कुछ दिया है। तो यहाँ पे गद्यांश के अनुसार अभ्यास और स्पोर्ट्स में मुख्य भेद है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अभ्यास और स्पोर्ट्स में मुख्य भेद क्या है। तो दोस्तों अभ्यास और स्पोर्ट्स में मुख्य भेद है प्रतियोगिता की, किसकी प्रतियोगिता की। गद्यांश के अनुसार अभ्यास शारीरिक क्रिया का रूप है जिसे स्वास्थ्य और दक्षता यानी फिटनेस प्राप्ति के लिए किया जाता है। अभ्यास और स्पोर्ट्स में प्रतियोगिता ही भेद कारक होता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि क्रीड़ा परक प्रतियोगिता है। यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन है खेल क्या है। खेल क्या है तो खेल एक क्रीड़ा परक प्रतियोगिता है। क्या है? क्रीड़ा परक प्रतियोगिता है जिसका निष्कर्ष शारीरिक कौशल यानी स्किल, रणनीति यानी स्ट्रेटजी एवं संयोग पर निर्भर करता है। क्रीड़ा में खेल की अपेक्षा नियमों का चलन कम होता है मगर खेल में प्रतियोगिता रहती है। जब खेल संस्थागत हो जाता है तब स्पोर्ट्स बन जाता है, ये याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स मनोविज्ञान और अभ्यास मनोविज्ञान क्या है। स्पोर्ट्स मनोविज्ञान और अभ्यास मनोविज्ञान दोनों क्या है दोस्तों? तो स्पोर्ट्स मनोविज्ञान अभ्यास मनोविज्ञान दोनों का संबंध अभ्यास के क्षेत्र से है। किससे है? अभ्यास के क्षेत्र से है। जैसे कि स्पोर्ट्स मनोविज्ञान और अभ्यास मनोविज्ञान क्रमशः स्पोर्ट्स अथवा अभ्यास के क्षेत्रों से संबंधित विचारों, संवेदनाओं और व्यवहार का अध्ययन है। एंड नेक्स्ट है इस गद्यांश में वर्णित है कि स्पोर्ट्स में जो है एक संस्थागत आयाम होता है। स्पोर्ट्स में क्या होता है? एक संस्थागत आयाम होता है। एंड दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको गद्यांश दिया हुआ है पढ़ने के लिए और जिसके आधार पर 213 से लेकर 216 तक का क्वेश्चन आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ ही लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि इनसे राष्ट्रीय जीवन की अनेकता में अनिवार्य एकता की शिक्षा मिले और खेल क्रीड़ा से उनमें सांप्रदायिकता, समरसता और बंधुत्व की भावना को जगाने का प्रयास करें। खेलों के युवा उत्सव और इस प्रकार की अन्य प्रतियोगिताएं जो देश भर में आयोजित की जाती हैं इनसे उनके विचारों और प्रयासों में तादाद में स्थापित हो सकेगा। यथार्थ खेलने के मैदान समाज की प्रयोगशालाएं हैं जहां समाज उपयोगी क्रीड़ाओं को परिवर्धित एवं परिष्कृत किया जा सकता है और जीवन के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का अभ्यास किया जा सकता है ताकि नारियों की ऐसी नई पीढ़ी का निर्माण किया जा सके जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण के लिए दृढ़ संकल्प हो। व्यक्तियों के लिए उत्प्रेरण और सही प्रशिक्षण अवश्य भावी है। यह सभी कुछ शारीरिक शिक्षा और खेल क्रीड़ा के स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा ही संभव हो सकता है। यह गतिशील बल संचार के रूप में कार्य करता है जो कभी पारंपरिक विचारों, दृष्टिकोण और आदतों को यथावत बनाए रखने से कभी समझौता नहीं करते। यह निर्विवाद है कि खेल क्रीड़ा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर को दृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे इसके अनुसार क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि इस गद्यांश के अनुसार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए नई पीढ़ी क्या चाहती है। तो नई पीढ़ी चाहती है कि नर नारी दोनों को प्रशिक्षण दिया जाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस गद्यांश के लेखक के अनुसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ इसके द्वारा दृढ़ होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा साहित्य। इस गद्यांश के लेखक अनुसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ किसके द्वारा दृढ़ होती है? तो साहित्य के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह गद्यांश झुकाता है कि युवा उत्सव प्रेरणादायक करते हैं। यह गद्यांश सुझाता है कि युवा उत्सव
सहायता करते हैं। किसमें? विचारों और प्रयासों में समरसता लाने में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के मैदान की प्रयोगशाला है। खेल मैदान क्या क्वेश्चन है? खेल मैदान समाज की प्रयोगशाला है। खेल मैदान समाज की प्रयोगशाला है जहाँ जीवन के लिए मानवीय दृष्टिकोण का विकास होता है, राइट है। क्रियाओं को परिवर्तित किया जाता है, राइट है। क्रियाओं को पुरस्कृत किया जाना, परिष्कृत करना है, क्रियाओं को परिष्कृत करना है। ये सभी चीज़ें क्या है? खेल के मैदान समाज की प्रयोगशालाएं कहलाने के लिए हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण में खेल क्रीड़ा द्वारा पहुँचने वाले लाभ हैं। तो यह होगा आपका उपयुक्त मूल्यों को पैदा करता है, खेल क्रीड़ा जाति धर्म को अवरोधों को तोड़ता है, सांस्कृतिक पाठ को बढ़ावा देता है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से कौन विश्वविद्यालय प्रदत्त प्रसिद्ध था? यानी प्राचीन काल में तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से कौन विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तक्षशिला प्रसिद्ध था। तीरंदाजी के लिए कौन था? सा तक्षशिला, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है कैसे प्रसिद्ध था, कि भारतीय इतिहास गवाह है कि समाज विभिन्न वर्गों में पेशे के आधार पर बटा हुआ था। पहले जैसे शिक्षक, योद्धा, व्यापारी और सेवक, उन्हें विशेष सामाजिक दर्जा दिया गया जो बाद में कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई, और उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जाना जाने लगा। शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शिक्षक केवल ब्राह्मण ही होते थे, वैसे और शूद्र अपनी इच्छा अनुसार कई सारी गतिविधियां करते थे। सभी युद्ध हथियार व युद्ध की दावपेश में स्वदेशी प्रकृति के विचरण थे। योद्धा तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती, लड़ाई, रथ दौड़ में निपुण होते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय इसका एक उदाहरण है, जहाँ पर तीरंदाजी यानी धनुर्विद्या की बहुत उच्च शिक्षा दी जाती थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है, किस पत्र का या किस शासन पत्र का हिस्सा है? तो यह है यूनेस्को। यानी कि नागरिक दायित्व शारीरिक शिक्षा के माध्यम से अच्छी नागरिकता के गुण, नेतृत्व, देशभक्ति, मानवतावाद और कानून का पालन आदि गुणों का उनके उसके मन में बिठाना। हालांकि अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अलग हो सकती है, शारीरिक शिक्षा निश्चित तौर पर वास्तविक रूप से सामान्य शिक्षा के लक्ष्यों से मेल खाती है। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ये है कि भारतीय खेल प्राधिकरण देश में खेलों को बढ़ावा देने वाला मुख्य कार्यालय है। तो ये बात राइट है। एंड इसका तर्क आर है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का प्राथमिक कार्य 1982 के एशियाई खेलों के दौरान बने विभिन्न और संरचनाओं के रखरखाव उपयोग है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ऑप्शन आपके राइट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों ठीक हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कुछ परिच्छेद यानी कि गद्दाश दिया हुआ था पढ़ने के लिए, बट यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, शरीर रचना के संरक्षण, समृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक है। क्या क्वेश्चन है? कि खेल जो है शरीर रचना यानी एनाटॉमी के संरक्षण, समृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यह बात किसने कहा है? तो यह बात कहा है मैकडूगल ने। किसने कहा है? मैकडूगल ने।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल की विशेषता है, तो खेल जो है एक स्वतंत्र है, स्वतंत्रता देता है, स्वाभाविकता है, सभी में पाया जाता है, आनंद युक्त होता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल आनंददायक सहज सृजनात्मक गतिविधि है, यह कथन किसने कहा है? तो इस कथन को कहा है, यहाँ पे पता नहीं है दोस्तों, मैकडूगल, रस्किन, लेजारस, उपयुक्त बस से कोई नहीं कहा है, तो किसने कहा है? रास, खेल आनंददायक सहज सृजनात्मक, खेल क्या है? आनंददायक सहज सृजनात्मक गतिविधि है, तो इसको रॉस ने कहा है, इसलिए यहाँ पे कोई रॉस का ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है खेल बच्चों को कैसा बनाता है दोस्तों, तो खेल बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक भी बनाता है, सृजनात्मक भी बनाता है यानी रचनात्मक, एंड कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र बनाया जाता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन स्वास्थ्य, खेल बच्चों को स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगा। एंड नेक्स्ट है प्रकृति के पास बच्चे को विकसित करने का निम्न में से, निम्न की तुलना में कोई विशेष बेहतर तरीका नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति के पास बच्चे को विकसित करने का निम्नांकित की तुलना में कोई बेहतर तरीका नहीं है। किसकी तुलना में कोई बेहतर तरीका नहीं है? तो खेल की तुलना में। ठीक है, खेल के द्वारा ही व्यक्ति एक दूसरे के भाईचारे को सीखता है एंड समाज को सीखता है एंड रहन सहन सीखता है, सामाजिक मानसिक सारी तीनों विकास होता है। एंड नेक्स्ट है भारत में सारी शिक्षा में आए अध्यापकों का प्रशिक्षण कब शुरू हुआ? भारत में सारी शिक्षा में अध्यापकों का जो प्रशिक्षण है कब से शुरू हुआ? 1990 से। कब से शुरू हुआ? 1920 से शुरू हुआ। 1920 से भारत में सारी शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण कब से शुरू हुआ? 1920 से। कब? जो भारत में प्रथम सारी शिक्षा महाविद्यालय स्थापित किया गया वह भारत में आज़ादी से पूर्व सन 1920 में एससी बक के द्वारा मद्रास में चेन्नई में YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत सारी शिक्षा में अध्यापकों का प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, एंड दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।